यार मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोगों को ये मूवी फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगी, बिकॉज स्टोरी थोड़ी यूनिक है इसकी। स्वागत है दोस्तों, वापस से लेके आए नया टॉपिक से। आज हम फिर से देख के आए एक नया नया मूवी 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 मूवी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सल्लार की, जिसमें प्रशांत नील की ओसीडी रिगार्डिंग टू द कलर टोन खत्म ही नहीं हो रही। और अगर इस तरीके की मूवी इन्होंने बनानी है तो मैं तो कहूंगा भाई मत खत्म करो अपनी ओसीडी को, इसको रहने दो जैसा है वैसा ही। तो भाई पिक्चर की स्टार्टिंग में जब मैंने देखा तो वही दो चलकुजे यानी कि चंगू मंगू फर्स्ट सीन में एंट्री करते हैं, बता तेरे को किसने हाथ लगाया वाला सीन से, जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत फीलिंग आ गई थी केजीएफ की एक मर्द वाले सीन की, जो लिटरली पूरी तरीके से मुझे वो एक कह सकते हो नॉस्टैल्जिया दे रहा था। अगर इसको हम साइड पे रखें और आगे बढ़े तो पहले तो बता दूं सल्लार मूवी जो है वो बेसिकली है पूरी तरीके से एक वादे पे बनी हुई मूवी। यानी इसमें सिर्फ एक वादा अपनी माँ को किया हुआ वादा नहीं है, एक वादा अपने दोस्त को किया हुआ वादा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है और बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से बहुत बार वादे किए हुए हैं जो ये मूवी अपनी अपनी पे आपको रिवील करती है। प्रशांत नील की ये मूवी देख के लिटरली मुझे लगा यार मैंने सिनेमा देख लिया। आपको कहीं पे भी ये मूवी स्टोरी में फ्लैट जाती हुई या स्टोरी जिपजैप जाती हुई या स्टोरी डिप करती हुई नहीं दिखेगी, ये इंक्लाइन कर रही है स्टोरी। अगर आप देखोगे तो स्टीफ है स्टोरी, धीरे 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 अपनी पकड़ती हुई जाती है। तो आगे बढ़ते भाई, जब स्टार्टिंग के 5 मिनट के बाद जब स्टोरी स्टार्ट होती है, जब एक्चुअल स्टोरी करंट डे पे आती है, तो यार मैं लिटरली मतलब मेरे को ना केजीएफ 2 का वो वाला सीन याद आ गया, बिल्डिंग टूट जाए ऐसा बिल्डअप देते हो, क्योंकि यार क्या बिल्टअप दिया है। नो डाउट फर्स्ट हाफ में आपको बहुत सारी चीजें स्लो और डाउन लगेंगी क्योंकि स्टोरी बिल्टअप की ओर फोकस करती है, जहाँ पे हर कैरेक्टर अपने आप को एक बिल्टअप दे रहा है, हर एक कैरेक्टर का प्रीवियसली और करंट स्टेज में क्या एक मेन इम्पोर्टेंस है, क्या रोल इम्पोर्टेंस है, वो इस बिल्टअप का पार्ट है, जिसके अंदर आपको क्यूरियोसिटी और एंग्जाइटी भी प्रशांत नील जरूर देते हैं कि इस तरीके से ये मूवी आगे क्या बनने वाली है या क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से करंट एज में करंट सिचुएशन में ये कैरेक्टर्स इस तरीके से पूरी तरीके से इनेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल भाई मूवी अच्छी है, प्रभास की एक्टिंग बहुत टाइम बाद है, एंड हाँ आफ्टर द मतलब 2-3 इनकी साहू कह लो या फिर राधे श्याम कह लो या फिर वन ऑफ द लेजेंडरी आदि पुरुष कह लो, ये पहली बार है प्रभास जहाँ पे उनका कमबैक दिखा है। धीरे धीरे जब स्टोरी आगे जाती है तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि भाई ये स्टोरी कोई नॉर्मल स्टोरी है नहीं, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। प्रभास के डायलॉग पूरी मूवी में थ्रू आउट द मूवी मुझे बहुत कम लगे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे प्रभास हर 3-4 सीन बाद एक लाइन बोल रहे, स्लोमो में चल रहे हैं या फिर किसी को मार रहे हैं या तो अपनी माँ के साथ एक इमोशनल फ्लैशबैक में घूमे हुए हैं। मजा आएगा आपको ये देखने में, ये मेरी अश्योरिटी है। हाँ, इसको अगर आप फुल टू एक्शन मूवी देख के जाना चाहते हो या हर दूसरे सीन में एक्शन एक्सपेक्ट करते हुए देखने जाना चाहते हो तो ये मूवी आप मंथली जाना देख, ये पूरी तरीके से एक्शन मूवी नहीं है। हाँ, इसको एडल्ट सर्टिफिकेट इसलिए दिया हुआ है कि बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे एक्शन सीन्स ब्रूटली दिखाए हुए हैं, जहाँ पे एक्शन सीन्स कम है बट इतने ब्रूटल एक्शन सीन्स है कि भाई चुम्मा मजा ही आ जाता है आपको। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इतना ब्रूटली किसी की किलिंग हम सिनेमा में देख सकेंगे या दिखा पाएंगे। एंड यहाँ पे प्रशांत नील की थिंकिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, मोशन एक्शंस, सारी चीजों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। भाई ये बंदे ने लिटरली हिस्ट्री क्रिएट की है। ये मूवी ना आपको स्लो फील होती है, ये मूवी ना आपको फास्ट फॉरवर्ड फील होती है, स्टोरी धीरे 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 अपनी ग्रिप करती हुई जाती है, जहाँ पे आपको कैरेक्टर का एक बिल्डअप प्रॉपर वे में मिलता है, हर कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा हुआ है, ये एक खानदानी मतलब परंपरागत चलने वाली रियासत को लेके एक कुर्सी को लेके जंग है, बट इसका जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है भाई, जो क्लाइमैक्स के 20 मिनट में खुलता है, अनएक्सपेक्टेड, और लिटरली आप नहीं समझ पाओगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, क्या
प्रभास एंड पृथ्वीराज यहाँ पे आमने सामने होंगे। क्या प्रभास अपने पुराने किसी वादे के लिए अपने दोस्त का वादा तोड़ देगा? बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस मूवी में मजा देगी। मैं इसको स्पॉइलर नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट एक बार जाके जरूर देखना, मूवी बहुत ही बढ़िया है। मेरी तरफ से मैं तो इसको दे रहा हूँ भाई 4 स्टार्स। बहुत टाइम बाद एक सिनेमा आया है जिसमें आपको एक्शन, ड्रामा, एक्टिंग, बैकग्राउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, सारी चीजें परफेक्ट वे में दिखाई है। प्रशांत नील ने वन मोर टाइम एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है। तब तक के लिए भाई जाओ यार देखो सलार को, डंकी से बहुत अलग कॉन्सेप्ट पे है, पर नो डाउट डंकी की तरह इसकी स्टोरी फास्ट फॉरवर्डिंग में या कंफ्यूजन में यहाँ वहाँ ही वार नहीं हो रही है, आपको समझ में आएगा। फोकस करके अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट टाइम में ही ये मूवी समझ में भी आ जाएगी किस तरीके से ये आगे जा रही है। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।